ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको अपनी खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन रमज़ान के रंग में खुशामदीद कहना चाहेंगे। व्यूज़, आज हम तलाक जैसे अहम मौजू पर डिस्कशन कर रहे हैं। ब्रेक के बाद हम रुख करना चाहेंगे डॉक्टर वकास जाफर का। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि तलाक देने की शरई वजूहात जो हैं वो क्या होनी चाहिए, और इसी के साथ साथ एक और सवाल मैं ऐड करना चाहूँगी कि अहले सुन्नत में तलाक देने का तरीका क्या क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, महमदून अला रसूल करीम। अम्माबाद, देखिए, जिस तरह गुफ्तगू हो रही थी तहरीफ़ कुरान के हवाले से, तो उसमें ये मौक़ यही है कि कुरान पाक में तहरीफ नहीं है, ये नामुमकिन है, अल्लाह ताला ने इसका ज़िम्मा लिया। और दूसरी बात ये है जो तलाक के हवाले से, वो ये कि तलाक की, जिस तरह अभी उसामा भाई पूछ रहे थे कि कितनी अकसाम हैं, तो बुनियादी तौर पर तलाक की तीन अकसाम हैं। ठीक। और तलाक का जो लुगवी माना है वो ये है कि तर्क कर देना, छोड़ देना। तो ये एक बात की जाती है कि ये बात दुरुस्त है, जैसे अभी वो सफानी साहब भी कह रहे थे कि मुसलमानों के यहाँ ये बात आया है कि तलाक को एक नापसंदीदा अमल अल्लाह की तरफ से समझा जाता है, लेकिन ये कोई हराम नहीं है। जी बिल्कुल। बल्कि सूरह निसा के अंदर अल्लाह ताला ने इसकी और वजाहत भी की है कि अगर आपस में आपकी कोई मुताबकत नहीं रही तो आप कुछ उसलूबी के साथ जो है वो अलग हो जाए, और अल्लाह ताला मर्द के लिए भी और औरत के लिए भी आसानियाँ पैदा करेगा, उसको भी अच्छा नेमुल बदल दे देगा और मर्द को भी अच्छा नेमुल बदल दे देगा। अब जो तलाक के मामला, एक तो होती तलाक जो शरी तौर पे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाई है, वो ये जिस तरह भी कह रहे थे कि सबसे पहली आपने सवाल किया कि वो कौन से उमूर हैं जिनकी वजह से तलाक जो है वो नागुज़ीर हो जाती है। तो देखिए, इंसान की साइकोलॉजिकल जो है वो अगर मुमासलत ना हो, घरेलू नाचाकी हो, तो इन मामलों के अंदर भी, जिस तरह आपको एक वाकया मिलता है ज़ैद बिन हारसा का और हज़रत ज़ैनब का, कि वो आपस में उनकी मुताबकत नहीं थी, हालांकि कोई ऐसी ख़तरनाक किस्म की कोई एक दूसरे पे कोई इल्ज़ाम तो राशि वाला मामला नहीं था, बस उनकी आपस में नहीं बनती थी, तो लिहाजा उनके अंदर अलहदगी। अच्छा, आपस में ना बनना, नाफरमानी करना, लेकिन बाज़ औक़ात अगर माँ बाप ने ज़बरदस्ती शादी करवा दी है, उस सूरत में भी अब औरत या मर्द पर वाजिब है कि उन्होंने निभाना ही निभाना, नहीं पसंद, या बाज़ लोग कहते हैं हमें इसकी शक्ल नहीं पसंद किसी एक को, तो क्या ऐसी सूरतों में भी तलाक ले लेनी चाहिए? इसमें तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म तो ये है कि अल्लाह ताला ये फरमाता है कि जिसको तुम अपने हक में बेहतर नहीं समझ रहे, तो हो सकता है कि वो तुम्हारे हक़ में बेहतर हो। तो अल्लाह ताला और उसका रसूल तो ये चाहता है कि कमा हक हो, पूरी कोशिश करे दोनों जानिबैन आपस में कि तलाक की नौबत ना आए, और इंसानी ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि हम सब लोग जो हैं वो एक हर हवाले से परफेक्ट नहीं है, तो जब परफेक्शन नहीं है तो कहीं ना कहीं कमी कुताही होती है। तो इस लेकर चलना, इसको आगे बढ़ना और उसकी कमियाँ कुताहियाँ, आका अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि अपनी बीवी के अंदर जो अगर आपको कुछ उसके अंदर नज़र आती हैं, खामियाँ नज़र आती हैं, तो उसके अंदर खूबी भी अल्लाह होगी, तो उन खूबियों को शक्ल ना पसंद आने की बिना पर औरत तलाक का तकाजा कर सकते हैं या मर्द? ये तो असल में अपना जो अक्सर आपने अदालतों में देखा होगा कि औरत के पास जब कोई टूल नहीं रहता तो सिर्फ यही कहती है कि मुझे इसकी शक्ल ही पसंद नहीं है, मैं इसके साथ रह नहीं सकती, इस तरह के डायलॉग बोलते हैं, जो कि एक ख़ास किस्म में कह दें कि अगर उसके तीन चार बच्चे उसके साथ हो गए हैं, दो बच्चे हो गए हैं, तो अब उसको शक्ल पसंद नहीं है, कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो ये ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अब रह गया मामला कि तलाक का, जो आपने कहा कि वो नाफरमानियाँ, पहली बात तो ये हुदूदुल्लाह की बात है, अगर वो हुदूदुल्लाह को क्रॉस करती है, जो ख़ास कर अल्लाह ताला के हुदूद हैं उनको क्रॉस करती है, जिसको आका अलैहिस्सलाम ने इसकी वजाहत भी फरमाई है कि पीठ पीछे शोहर के बगैर इजाज़त के उसके पैसों का इस्तेमाल करना, या किसी गैर मर्द के साथ कोई ऐसा ताल्लुक उसको मालूम हो जाए, तो ये वो मामला है जिनके ऊपर हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं। ये भी बहुत ज्यादा चीज कॉमन है कि किसी आगे, मतलब शादी के बाद किसी का पसंद आ जाना और अपने शोहर को छोड़कर फिर तलाक, ऐसी सूरत में डॉक्टर साहब ने कहा ना कि वो हुदूदुल्लाह के, ये हुदूदुल्लाह को क्रॉस करने का, लेकिन तरीके कार नहीं हमने डिस्कस किया। ठीक है, अमनपुर साहब को शामिल करेंगे। अमनपुर साहब, ये बताइएगा कि अगर तलाक हो गई, मिसाल के तौर पर तलाक दे दी गई, क्या तलाक के बाद रुजू हो सकता है, सुलह हो सकती है? क्योंकि कुरान पाक ने बार बार आपस में उनको पैचअप करवाने की तालीम दी, उससे पहले भी, तलाक से पहले भी, कि अगर तलाक हो जाती है बाद में इंसान को गलती का एहसास हो जाता है कि मैं गलत कर बैठा, अगर रुजू होगा तो वो किस तरह होगा, ये ज़रा बताइएगा। और क्या तीन तलाकों के बाद रुजू हो सकता है, ये भी बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलात वस्सलाम अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद, सबसे पहली बात तो यह है कि वो जो रवायत है, अब अबगज़ुल हलाल तलाक जी,
कि अल्लाह के यहाँ जो हलाल काम है उनमें मबगूज़ तरीन काम जिस पर अल्लाह को गुस्सा आता है वो तलाक है, ये रवायत साबित नहीं है बिलाज सनद। ठीक है जी, बाकी मसला ये है कि जब इंसान निकाह करता है बामी रजामंदी और ज़ेहनी हमांगी होती है उनकी, तो इस सूरत में रस्ता बस्ता घर को भी इंसान उजाड़ना नहीं चाहता। उसकी वजूहात होती हैं, असबाब होते हैं, मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफ जो है ना वो बाइस तलाक का बन जाता है। अब मसला ये है कि हमारे यहाँ अलमिया है, हम तो अफसोस से ये बात कहते हैं और पूरी कौम को ये पैगाम देते हैं, अल्लाह के लिए आप ज़रा संभलें, तवज्जो दें इस बात पर, जब निकाह पढ़ाते हैं तो आप उलमा को बुलाते हैं, मौलाना को बुलाते हैं कि आप निकाह पढ़ाएं, जब वो तलाक देते हैं तो खुद ही वो तलाक जो है ना वो दे देते हैं। ये बड़ा मसला है, जब तक हम इस मसले पर तवज्जो नहीं देंगे और इसके नुकसान को नहीं समझेंगे उस वक्त तक हमारे मसाइल हल हो ही नहीं सकते। ठीक, देखें तलाक ऐसा मसला, आप चाहते हैं कि अपनी बीवी को अपने अकद से खारिज करें, शरीयत ने आपको हक दिया आप कर दें, आपको कोई नहीं पूछेगा कि आपने ऐसा क्यों किया, मगर तरीकाकार जो है वो अगर दुरुस्त हो तो वापसी के कई एक रास्ते हैं। मिसाल के तौर पर आदमी समझता है कि मेरी बीवी के साथ ज़ेहनी हमांगी नहीं है, या मेरी बीवी जो है ना बद अखलाक है, या मेरा निकाह इसके साथ बस जबरी तौर पर घर वालों ने कर दिया, मैं चाहता ही नहीं था, मुझे ये पसंद ही नहीं थी, लेकिन माँ का मतलब हुक्म मान लिया, वालिद साहब को हुक्म मान लिया, मैंने निकाह कर लिया। ठीक हो गया जी, तो उस सूरत में उसे चाहिए कि उस तौर में फितरी अयाम हैज़ के बाद जो औरत के वो अयाम होते हैं जिनमें कोई उसको मसला नहीं होता, उस तौर में एक तो वो तलाक दे। ठीक, जिस शरायत में आ गई तलाक की, नहीं शरायत नहीं, शरीयत इसको बेहतर और आसान करार देती है, एक तरीका कार हो जाए तो बेहतर है जी, ना हो तो कोई मजायका नहीं, कोई मजायका नहीं, हालत हैज में भी तलाक हो जाती है कोई मसला नहीं है जी। अब मसला उस तौर में जिसमें आपने बीवी के पास नहीं गया, ठीक है, उसने उसके साथ मतलब इस दवाजी तल्लुकात जो है ना वो कायम नहीं किए, वो उसको एक तलाक दे दे। ठीक है, अब तीन हैज उसकी इद्दत है, ठीक, खा महीने में तीन हैज आ जाएं या तीन मंथ में उसको तीन हैज आ जाएं, इस दौरान वो उसे अपनी बीवी बना सकता है, बेशक उसका बाप राज़ी नहीं, बेशक बीवी नहीं चाहती कि मेरा शौहर मुझसे रजू करे, फिर भी शरीयत उसको रजू का हक देती है। लेकिन सॉरी ईशा जी, अब मसला ये है कि 90 दिन का आम तौर पे ख्वातीन का हर मंथ का मसला होता है ना, तीन मंथ में कभी गलतफहमी की बुनियाद पर तलाक दी तो उसको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। बिल्कुल जी, मैं इधर ही कि मैंने ये जो कदम उठाया ये इंतहाई कदम है, देखे मेरे कई मसाइल जो है ना वो जन्म उन्होंने ले लिया, बच्चों का मसला है, मेरे मुस्तकबिल का मसला है, कई एक मसाइल होते हैं। एक बात, 90 दिन के अंदर अंदर वो उसको बीवी बना ले, अब उसमें ये नहीं है कि उसके साथ वो मुजामत इख्तियार करेगा तब उसकी बीवी बनेगी, उसको कह दे मैंने रजू कर लिया या किसी को बताया मैंने उसको अपने बीवी बना लिया, अब एक तलाक का हक उससे चला गया, दो तलाकों का हक बाकी रह गया, मगर वो उसे रजू जो है वो कर सक, उसको बीवी बना सकता है। ठीक है, अब तीन हैज गुजर जाने के बाद उसको तजदीद निकाह के साथ बीवी बनाएगा, नए सिरे निकाह करके उसको अपनी बीवी तो बना ले, मैं अर्ज कर दूं शायद इतना ही होगा, जिस तरह तमाम गवाह बुलाएंगे, वली बुलाएंगे, बिल्कुल वली की इजाज़त होगी, महर होगा, बच्ची की रजामंदी होगी, ये तीन चीज़ें उनसर अनासर हैं। ठीक है, बुनियादी उनसर जो है वो वली की इजाज़त और बच्ची की रजामंदी होता है, और तीसरा जो है वो शर्त है निकाह की वो महर है जी। अब वो उसको बीवी बना सकता है नए, लेकिन एक तलाक का हक निकल गया, दो तलाकों का हक बाकी रह गया। अब अगर वो चाहता है कि मैं इसके साथ मतलब के नहीं रहना चाहता, तो एक तलाक वाकई हो गई और तीन हैज के बाद वो उसकी जो इद्दत है तीन हैज उसके बाद वो उसकी बीवी नहीं रही, नहीं रही तो तब ही तजदीद निकाह के साथ वो वापस आ रही है, बिल्कुल, वरना अगर बीवी होती तो फिर रजू के साथ। ठीक है, आपके कहने का मकसद ये था कि जब हम जब तलाक देते हैं तो उसमें उलमा को बुलाना चाहिए, लेकिन ये अक्सर अक्सर औकात ये वाक्य तब भी होता है जब मर्द या औरत अग्रेशन में आए होते हैं, गुस्से में होते हैं, तो गुस्से में आके तलाक है, तो बाद का लोगों का कहना होता है कि तलाक तो इंसान गुस्से में दे जाता है, लेकिन उसके बाद जो तीन महीने का पीरियड दिया वो तो दिया इसीलिए कि आपने एहसास में हो जाता है, गलती का एहसास भी हो जाता अच्छा, है। अच्छा, वैसे यहाँ पर जो तीन तलाकें, यानी आप कह रहे हैं ये इस प्रोसेस से बाजू का तो मर्द इतनी तैश में आ जाते हैं वो तीनों तलाकें इकट्ठी दे देता है। बहुत सारे सवाल जमा हो गए और एक मसला भी हमारा क्लियर शायद नहीं हो पाया,
कि जब उसने उसको बीवी बना लिया, मतलब तजदीद निकाह से, नए निकाह से उसकी बीवी बन गई है, अब दो तलाकों का हक बाकी रह गया। ज़िंदगी की किसी मोड़ पे उनमें तनाज़ो वाक़ हो जाता है, इख्तलाफ होता है, तू तकार की सूरत वाक़ होती है और फिर वो उसको एक तलाक दे दे। बिल्कुल ठीक है। इस्फानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस्फानी साहब, मैं अर्ज़ कर शाह जी, जरा थोड़ा सा जी मसला तो क्लियर हो जाए ना जी। अब दूसरी तलाक का हक उसने इस्तेमाल कर लिया, इसका प्रोसेस भी वही है जो पहली तलाक का था कि तीन हैज़ के अंदर अंदर आप उसको अपनी बीवी बनाएगा, उसके साथ रजू करेगा, उसके बाद तजदीद निकाह के साथ उसको बीवी बना सकता है। अब तलाक़ मर्रतान, कुरान ने कहा कि रजी तलाक दो हैं, मर्रतान एक वक़्त के बाद फिर दूसरी तलाक, ठीक है, ठीक है जी। अब दो तलाकों का हक जो है उससे निकल गया और एक तलाक का हक बाकी रह गया, वो मियाँ बीवी बन गए रजू के साथ या तजदीद निकाह के साथ दोबारा। अब उसने ज़िंदगी में किसी मोड़ पर फिर वो उसको तीसरी तलाक का हक जो है ना इस्तेमाल कर दिया, ठीक है, अब इसमें ना रजू है और ना ही वो उसकी बीवी बन सकती है, हत्ता तन के हज़ौजन गैरा, यहाँ तक कि वो किसी दूसरे शोहर से, किसी इंसान से निकाह करेगी, वो उसका खामिद बन जाएगा, शोहर बन जाएगा, हंसी बसी वो ज़िंदगी बसर करेंगे, कभी वो उसको तलाक दे देता है या वो फौत हो जाता है, उस सूरत में फिर वो पहले के लिए हलाल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर वो पॉइंट तो रहेगा ना, तीन तलाकें अगर इकट्ठी दे दी हैं तो वो एक ही कंसिडर होगी या अलग? जी अरज करता हूँ ना जी, अरज कर, ये तो डॉक्टर साहब बयान करेंगे जी, मेरे जो मैं आपका फर्क है जी, नहीं नहीं, अरज ये है कि तीन तलाकों के बाद अब उसको नहीं है उस पर वो हराम हो गई, ना रुजू है ना उसकी बीवी बन सकती है जब तक। लेकिन अगर नीयत में ये है, माजरत के डॉक्टर साहब, अगर नीयत में ये है कि मैं इसके साथ निकाह करके इसकी बीवी बनकर, ये जब मुझे तलाक देगा तो वो पहले शौहर की मैं बीवी बन जाऊँगी, तो ये हराम है। ला अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुहल्लल वल मुहल्ललहु, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाला करने और करवाने दोनों को मलून करा दिया, उन पर अल्लाह की लानत और हराम काम है। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे थे? सिर्फ ये जो अभी वजाहत की है, सिर्फ इसमें एक ही फ़र्क मैं बताना चाहता हूँ कि सलफ़ी हज़रात के नज़दीक अगर तीन दफ़ा से ज़ायद भी अगर वो कोई तलाक देता तो एक कंसिडर होती है एक मजलिस में। अहले सुन्नत व जमात के किसी भी स्कूल ऑफ थॉट, हनाबला में, शवाफे में, मालकियों में और हनफियों में, इन चारों के मुताबिक अगर एक ही मजलिस में तीन दफ़ा तलाक दे दी तो तीन दफ़ा हो जाएगी। हाँ, वो आप ऐसे समझ लीजिए कि एक रिवॉल्वर है आपके पास, उसमें तीन गोलियाँ हैं। कुरान आपको ये कहता है कि आपने इसको इसी तरह फरमाया कि आप इसको अलग अलग इस्तेमाल करें। जो तीन तलाकों का कॉन्सेप्ट है वो जो अहले सुन्नत के चार सलफियों के अलावा जो चारों आइम्मा हैं उनके स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक अगर आपने एक ही वक्त में तीन तलाकें दे दी तो वो तीन तलाकें हो जाएंगी। हाँ, वो क्योंकि बिदाती हैं, वो उसने अपना यानी जो अल्लाह ने जो उसको इख्तियार दिया था उसका उसने नजायज इस्तेमाल किया है, लेकिन वो वैलिड हो जाएंगी, ये हमारा मौकफ है। लेकिन जो कुरान का उसलूब है, जो अभी उन्होंने बताया, तरीकाकार यही है, इसी को तीन तलाकें कहते हैं कि पहली तलाक जिसको तलाक रजी कहते हैं, जिसमें आप रुजू कर सकते हैं, वो जो तीन हैज के दरमियान अगर आप कर सकते हैं तो वो रुजू हो जाएगा, उसमें निकाह की जरूरत नहीं है। जैसे ही तीन हैज गुजर जाएंगे तो वही तलाक जो है वो तलाक बाइना में कन्वर्ट हो जाएगी। अब निकाह के बगैर जो है आप वापस वो जो है उसके साथ निकल, अब वो औरत उस मर्द के साथ भी निकाह कर सकती है, किसी और शख्स के साथ चाहे तो तभी जब तीन उसके गुजर गए, मखसूस अयाम गुजर गए तो फिर उसके बाद जो है वो बिल्कुल हराम होगी उसके लिए। नहीं, नहीं हराम नहीं हो गई, अब वो उसको बगैर निकाह के वापस ले सकता है, करे किसी को तलाक पाए ना। लेकिन जब वो तीनों तलाकें दे देता है, अगर वो जो प्रोसेस है तीनों तलाकें दे देता है तो फिर वो तलाक मुखल्लिज़ा हो जाएगी, फिर उसके बगैर। इस्फानी साहब को गुफ्तगू में शामिल करते हैं। इस्फानी साहब ये बताइएगा, इस्फानी साहब की तरफ भी जाना, उनको भी गुफ्तगू में शामिल करना है, हम मकतबे तशय्यो का भी मौकफ लेना चाहते हैं तीन तलाकों के हवाले से। हमें तो ये सुना है कि मकतबे तशय्यो का मौकफ वही है जो अमनपुरी साहब का, जो सलफियत है वो उनका आपस में मिलता जुलता मौकफ है, ऐसा है या इसमें कोई डिफरेंस पाया जाता है? साहब आपको आवाज आ रही है? अमनपुरी साहब कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ अगर तीन तलाकें तीनों तलाकें वाके हो गई ने जी, अब वो दूसरे से निकाह करेगी तो फिर वो उसकी बीवी बन सकती है, लेकिन जिससे उसने निकाह किया नियत ना उस मर्द की है ना औरत की है, साथ साथ ये भी है कि उसके साथ वो खलबत सहिया इख्तियार करेगा, सिर्फ निकाह करके उसको तलाक दे देता है तो फिर भी पहले के लिए हलाल
नहीं ठीक हो बस ये। तो ये हलाला का फिर कॉन्सेप्ट डॉक्टर साहब फिर क्या आया यहाँ पे? तो हम देखते हैं हलाला सेंटर भी खुले हुए कि अगर 3 तलाकों के बाद औरत हराम होगी तो फिर वो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, हफ्ते के लिए वो निकाह कर लिया जाता है। तो फिर ऐसा निकाह जो है इसको इसको इसके वाले से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानत फरमाई है, बेशक लानत फरमाई है, और बड़े सख्त अल्फाज में आका अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया, बल्कि उसको किराए के मुर्गे से तशबीह देना या किराए के सांड से तशबीह देना, इस तरह के अल्फाज अहदीस मुबारक में आए हैं। तो ज़ाहिर है जब लानत का मतलब क्या है कि आप अल्लाह की रहमत से दूर हो गए, यानी अब हमारे यहाँ वो अमल तो हो गया, वो यानी जो उसने किया उससे वो तो पिछली मर्द के पास वो जा सकती है, लेकिन वो जो उसने अमल किया है वो उस अमल को अल्लाह ताला के रसूल ने जो है वो मलून करार दिया है। लिहाजा हम ये अहले सुन्नत के यहाँ वो अमल की वजह से वो दोबारा उस मर्द के पास जा सकती है, लेकिन वो जो हलाला किया गया है वो एक कभी अमल था, ठीक हो गया। अमनपुर साहब ये बताइए कि अगर इंसान एक गुस्से की हालत में तलाक दे रहा है, या इसके अलावा बंदा नींद की हालत में है, या बंदा मजाक की हालत में, या हंसी मजाक में बंदा कहता है, नशा किया, या कोई ऐसे मिले जुले अल्फाज, जी चार बातें जरा निकल जाएंगी, नहीं कह रहे तो मिले जुले अल्फाज, मतलब आप उसे कह लेंगे कोल्ड ब्लडेड के अंदर अगर तलाक दे दी जाए वो तलाक कंसीडर होगी। दूसरा ये है कि अगर गुस्से की हालत में तलाक दे, ठीक है, तो इन सारी बातों के बारे में बताइए कि बाजू का लोग कहते हैं कि हंसी मजाक में दी तलाक तलाक शुमार नहीं होती। पहली बात ये है, डॉक्टर साहब से थोड़ा सा इख्तलाफ है, वो ये है कि जब हलाला एक लानत वाला अमल है, शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, शरीयत की कोई गुंजाइश नहीं है, ये तो ऐसी है कि एक औरत के 2-3-4 शौहरों का तसव्वुर पेश करें, ठीक है, तो मुहद्दिसीन उलमा में से कोई एक भी ये नहीं कहता कि पहले के लिए हलाल हो जाएगी। मतलब एक मकतब रेली से या हनफी मसलक से इनका ताल्लुक है, ये अपना मसलक बयान करते हैं और इनको हक है अपना मसलक बयान करने का, लेकिन मसलक मुहद्दिसीन में, मसलक आइमा अल सुन्ना में ये चीज़ नहीं है। अब मसला ये है कि तलाक जो है गुस्से की हालत में आया वाकई हो जाती है या नहीं होती, ठीक है, हमारे यहाँ तो ये कि आदमी गुस्से में कई एक तलाकें तलाकों की बुछाड़ कर देता है, बिल्कुल बेवकूफ़ बन जाता है। ये वो लोग करते हैं जो मियाँ बीवी के इस रिश्ते के तकद्दस से वो वाकिफ़ नहीं होते, वो जानवर हैं, उनके अंदर हाइया व नीयत गालिब आ जाती है। तब एक बीवी किसी की बेटी है, वो एक अरसा आपकी बीवी रही है, उसको इस तरीके से अपने अकल से खारिज करना ये इंसान का काम नहीं है, शरीफ लोगों का काम नहीं है, बेवकूफ़ों का काम है। जानवर जो टाइप लोग होते हैं जिनमें दीन की कोई रमक नहीं होती, वो इस तरह की बात करते हैं। औरत की इज्जत देखें, आपकी जहनी मुआफ़त नहीं, किसी वजह से आप चाहते हैं कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूँ, तो शरीयत आपको रोकती टोकती तो नहीं है। जब रोकती टोक आसान तरीके साथ अच्छे तरीके से उसको अपने अकल से खारिज करें। अब अगर गुस्से की हालत में तलाक दे दी, ऐसा गुस्सा कि जिसमें इंसान का जो शऊर है उसमें खलल वाकई हो गया, उसको ये भी मालूम नहीं कि मेरे सर से क्या निकल रहा है, फिर वो तलाक वाकई नहीं होगी। और ऐसी कंडीशन है गुस्से की, ऐसी पोजीशन है, मिसाल इब्तिदा में गुस्सा आया लेकिन आगे जाकर थोड़ा ठंडा हुआ और उसने फिर तलाक दी, उसको पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, फिर तलाक वाकई हो जाएगी। एक बात तो ये है, दूसरी बात यह है कि नशे की हालत में, ऐसा नशा कि इंसान नशे में धुत है या नींद भी शामिल कर, मैं अर्ज़ कर जी, ऐसा नशा कि नशे में वो धुत है, उसको पता नहीं मेरे सर से क्या निकल रहा है, तो उस सूरत में भी तलाक वाके ना होगी। तलाक कब वाके होगी? जब उसको पता है कि मेरे सर से क्या निकल रहा है, मैं कौन से अल्फाज कह रहा हूँ, किसको कह रहा हूँ और क्यों कह रहा हूँ, अरे ये चीज़ शरीयत है ना। अब तीसरी चीज़ ये है कि नींद, नींद में इंसान मुकल्लफ ही नहीं होता, ठीक हो गया, ना निकाह हो सकता है नींद में, ना तलाक हो सकती है, क्यों? उसमें तो उसका कोई अमल लिखा ही नहीं जाता। जब लिखा ही नहीं जाता तो मतलब नींद की हालत में भी तलाक वाकई नहीं होगी। और आखिरी बात यह है, अगर आदमी मजाक में अपनी बीवी को कहता है कि आपको तलाक है, तो वो भी तलाक वाकई हो जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाने ग्रामीय सलासुन जिद हुन्न जिद व हज़ल हुन्न जिद, 3 ऐसे उमूर हैं कि जिनकी हकीकत तो हकीकत है मगर मजाक भी हकीकत है, अ निकाह व तलाक व रजा, तो वो निकाह है, वो रुजू है और वो क्या है, तलाक है, तलाक बिल्कुल, ठीक है। तो लिहाजा मैं यहाँ मिजाक में भी तलाक हो जाए रखना चाहता हूँ। ये बताइएगा कि बाद अवकात हम देखते हैं कि हम बाकी सारी ज़िंदगी जो है एक स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक गुजारते हैं, एक फिकी स्कूल ऑफ थॉट को लेते हैं उसके मुताबिक गुजारते हैं, लेकिन जब तलाक का मामला आता है तो हम किसी और स्कूल ऑफ थॉट के बजाय फतवा लेके वो पैचअप करने की कोशिश करते हैं। तो क्या इस सूरत में जायज़ है कि एक स्कूल ऑफ थॉट पर आप सारी अपनी लाइफ गुजार रहे हैं,
तो तलाक के मसले में आके आप किसी स्कूल ऑफ थॉट के बजाय के फतवा लेके अपने वो सारे मामलों को हल कर लें। मेरे मुताबिक ये है डॉक्टर साहब, मुआवजत करूँगा कि आल सुन्ना का तकरीबन तरीका तलाक तक एक ही है, आगे जाकर लेकिन अगर कोई दूसरे मैं अर्ज करता हूँ जो है अल सुन्ना का तरीका जो है ना, मुतकद्दमीन अइमा की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो बाकी जो मकाते फिक्र जिसे डॉक्टर साहब ने बयान कर दी वो तो हो गया, मसला ये है कि एक आदमी जिस तरह हमारे पाकिस्तान में हमारे इस वतन में मुख्तलिफ मसालिक और मजाहब का सिलसिला है और हर एक की तो फिकी तोजीहात और सिलसिले हैं सारे, अगर वो कहता है कि इस हमारे मसलक में तीन तलाकों के बाद गुंजाइश नहीं है ता वक्ते कि वो हलाला कराए, और एक आदमी चाहता है कि मैं हलाला नहीं करवाना चाहता, वो उस आलिम के पास जा सकता है जो कहता है कि हलाला जायज़ है। अहले हदीस का नुक्ता नज़र जो है वो अहले सुन्नत से मुख्तलिफ है, अल्लाह आलम इस मसला में तो मैं कुछ कहने से कासिर हूँ, मेरे लिए मुनासब नहीं है। अलबत्त मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि जो हलाला है ये इस्लाम में नहीं है। अच्छा, हलाला तो मैं पूछ रहा था तलाक के हवाले से, मैं पूछ रहा था कि अहले हदीस का मौकफ जो है वो अहले सुन्नत के मौकफ से मुतसादम है, अलग है। अल्लाह आलम जी, मैं शायद ऐसी बात नहीं, लेकिन अगर ये पॉइंट मुझे भी थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ कि अगर एक बंदा अहले सुन्नत है, लेट्स सपोज अहले सुन्नत है, और उसने तीन तलाकें दे दी हैं एक ही नशस्त में दे दी हैं, तीनों तलाकें वाक़ हो गई हैं, अब उसको एक ख्याल आया कि मेरे बच्चे हैं, मैंने गुस्से में ये आकर कह दिया, वो किसी और फिके के बंदे के पास जाके अपने लिए कोई कुशन कोई मार्जिन निकलवा सकता है, वो उसको कहे नहीं तीन तलाकें जो हैं वो तीन नशस्तों में दी जाएं तब तलाक होगी, तुम्हारी अभी एक ही हुई है, तो वो अहले सुन्नत में रहते हुए किसी और स्कूल ऑफ थाट को फॉलो कर पहली सकता है। तो ये है कि जो तलाक का मामला है ना, ये हमारे माशरे में बड़ा सेंसिटिव है, जैसे अभी वो भी जो है वो इजहार उस तरह नहीं कर पा रहे, तो पहले मेरे नज़दीक नहीं आइम्मा के नज़दीक जो अहले सुन्नत के हैं, एक तो जहन में रखी जैसे मैंने बताया कि हनावला शवाफे और तमाम के नज़दीक एक ही वक्त में अगर एक ही मजलिस में तलाक़ें दी जाएँ तो वो तलाक़ें तो हो जाती हैं। उसकी वजह तो सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला ने इसी बात के ऊपर सज़ा ताज़ीर मुकर्रर की थी कि जो बंदा एक वक्त तीन तलाक़ें देता है तो उसको ताज़ीर दी जाए ताकि वो इस बात से बाज रहे। तो एक तो पहली चीज़ है कि तरबियत का फुकदान है, हमें तरबियत करनी चाहिए लोगों की। दूसरी बात यह है कि जैसे आपके सामने अभी इंडिया की मिसाल है, इंडिया के अंदर उन्होंने ऐसा किया है कि जो शख्स तीन तलाक़ें इकट्ठी देता है तो उसको ताज़ीर दी जाती है, सज़ा मुकर्रर की जाती है, निकाह नामे में लिखा गया है, उसको पढ़ाया जाता है कि आपने ये अमल नहीं करना, तो उससे जो है ना उन्होंने बताया क्वेश्चन कहीं और से ले ले, क्लू कहीं, ये जायज नहीं, मेरे नजदीक ये बात जायज नहीं है, क्योंकि आप एक स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल, और जब आप सिर्फ अपने सुफली मकसद के लिए ये काम करते हैं बात दुरुस्त नहीं। बिल्कुल ठीक हो गया। व्यूअर्स, अभी हम ट्रांसमिशन में एक ब्रेक शामिल करना चाहेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे एक वक्त के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, रमज़ान के रंग स्पेशल इफ्तार ट्रांसमिशन में आपका एक मरतबा फिर वेलकम कहेंगे। नाज़रीन किराम, बात जहाँ तक पहुँची थी उसको वहीं से कंटिन्यू करते हैं। हमें अभी दोबारा ज्वाइन किया सैयद शहबाज इस्फहानी साहब ने। शाह जी, मैं आपकी खिदमत में आऊँगा और पूछूँगा मकतबे तशय्यो के मौक़ के हवाले से कि तलाक के मौक़ पर हमने ये सुना है कि तलाक के मौक़ पर अहले तशय्यो और अहले हदीस इनका मौक़ एक है, क्या वाकई ऐसा है, और क्या अहले तशय्यो के यहाँ जो तलाक है और उसके अंदर रुजू जो है वो कैसे है, जो अहले तशय्यो का तलाक का सारा सिस्टम है वो हमें ज़रा समझाइएगा। जी बहुत शुक्रिया, मैं ज़रा गुजारिश करूँगा कि क्योंकि अमनपुरी साहब ने शुरू में एक बात की थी जो एक बहुत बड़ी मकसद तशय्यो के हवाले से बात करेगी, जो उन्होंने क्लेम किया है उसका जवाब देकर कि तलाक वाली बात मुफसल जवाब अर्ज करूँगा। अमनपुरी साहब ने कहा कि तमाम उलमा जो हैं वो तहरीफ के कायल हैं, तो आप के चैनल से ये तकाजा करूँगा कि एक मुफसल प्रोग्राम इसी मौजू पे रखें, तहरीफ कुरान के मौजू पे, क्योंकि अभी मौजू नहीं है, अभी मैं इसमें डीपली बैठ। जी बिल्कुल ठीक है, रखेंगे आप दोनों की इजाजत से। अमनपुरी साहब ने जैसे पहले इन्होंने तोहमत लगाई जिसका अभी तक रेफरेंस नहीं ला सके और ताकयामत ये ला भी नहीं पाएंगे उसका रेफरेंस, जो उन्होंने गैंग रेप के हवाले से बात की थी, जैसे उनकी ये तोहमत थी तो ये भी एक तोहमत है कि उलमाए तशय्यो वो कह रहे थे, मैं ढूंढ के देता हूँ आपको गैंग रेप वाला जो रेफरेंस था। इंशाल्लाह टेंशन नहीं मिलेगा, ये इनके वो कह रहे हैं कि अगर मैं रेफरेंस ना दे सका मैं स्टूडियो में दोबारा कभी नहीं आऊंगा।
जी इंशाल्लाह नहीं आएंगे, आगे आप टेंशन नहीं लें, हमारे उम्मीद से जैसा आप तो जब तो चाहते हैं आप दोनों हमारे पास बार बार आए, हम इस्तेफादा करें आपसे, आप कह रहे हैं कि ना आए दोनों। जी जी हम ये लास्ट जी मैं दो चीजें बहुत शुक्रिया। तो इन्होंने जो कि एक बहुत बड़ी तोहमत लगाई थी, अगर हम आपके चैनल से अगर ये पैगाम जाएगा कि एक पॉइंट ऑफ व्यू पूरा बयान करने का मौका दिया जा रहा है, दूसरे को नहीं दिया जा रहा, तो ये एक अच्छी इमेज नहीं जाएगा। नहीं, हमने आपको पूरा मौका दिया, आप खुल के बात करें, आपके पास फ्री टाइम है, जितनी देर आप बात करना चाहें। सलामत रखे। जो अमनपुरी साहब ने मकतबे तशय्यु के हवाले से बात की थी कि इनके उलमा तमाम इस चीज़ के कायल हैं, तो इंशाल्लाह जैसा कि इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम रखें और ये कभी साबित नहीं कर पाएंगे कि उलमा कायल हैं, अलबत्ता हम इनके किताबों से और इनके मकतब से ये चीज़ें साबित करेंगे कि इनके हाँ, जैसा कि इन्होंने खुद इस चीज़ का इकरार किया और इनके अपने उलमा ने भी इस चीज़ का इकरार किया कि अब्दुल्ला बिन मसूद जो हैं वो मुअव्वज़तैन के हवाले से कायल थे कि ये कुरान का हिस्सा नहीं है। और इसके साथ साथ इनके खिदमत में अर्ज करूँ कि जो इन्होंने बात की, जनाब अब्दुल्ला बिन उमर की जानब में आऊँगा, जनाब अब्दुल्ला बिन उमर जो वो खुद बयान करते हैं कि ये जो मौजूदा कुरान है ये काफ़ी नहीं है, रहबा बिन कफी, यानी इसमें से बहुत ज़्यादा कुरान तो जा चुका है, अल्लाह के पुर्द हो चुका है, खुदा हाफ़िज़ हो चुके होते। तो अब्दुल्ला बिन मसूद भी इस चीज़ के कायल थे और एक पूरी फहरिस्त है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, और ये जो नस्ख तिलावा की भी इन्होंने बात की, इसलिए इस पर मुफसल प्रोग्राम रखेंगे तो मालूम होगा कि नस्ख तिलावा क्या होता है और कौन कौन से असहाब और कौन कौन से ताबईन कायल थे इस चीज़ के। ये तहरीफ कुरान के हवाले से इनकी खिदमत में जो हमारी गुजारिश आती है। और तकफीर के जहाँ से हवाले बात की कि आया उसको काफिर कहेंगे या नहीं, तो यह है और इनके अपने ही उलमा ने ये बात का, इस बात का इकरार किया है कि तहरीफ कुरान का कायल है वो काफिर नहीं होता, ये अपने तैमिया का हर जगह पर हवाला देते हैं। तो यहाँ तक ये पॉइंट ऑफ व्यू हमारा जो इनके जवाब की सूरत में आ गया। अब आज तलाक के ऊपर जो असल मौजू है, अब मैं चाहूँगा कि अमनपुरी साहब इसमें अगर दोबारा काउंटर अटैक करेंगे और गुफ्तगू करेंगे, फिर हमें इसमें मजीद बुरूद करना रोकेंगे, आप तसल्ली से दोनों हजार बात कीजिएगा, हम आपको फ्रीली मौका देंगे। तो अभी हम तलाक की तरफ आते हैं, जो मैंने सवाल आपकी खिदमत में पुटअप किया है, जवाब तो दो। मैं भी तलाक वो तलाक की तरफ आता हूँ, क्योंकि जवाब दर जवाब चलेगा। हमने इब्तदा नहीं की थी, ये तहरीफ वाली बात अमनपुरी साहब ने की थी, इब्तदा इन्होंने की थी, हमने जवाब दिया है, तो ये मद्देनजर रहे। तो अब जब तलाक की तरफ आते हैं, मौजूद की जाने पाते हैं, तलाक के हवाले से मकतबे तशय्यु का बिल्कुल यही नजरिया है कि एक महफिल में अगर आप किसी को तीन मरतबा तलाक दे दें तो ये तलाक वाक़ई यानी तलाक के बाइन नहीं होती, यानी हराम नहीं होती उसके ऊपर, वो एक ही तलाक कंसीडर होगी। और ये नजरिया जो है वो कुरान मजीद से भी इसकी तायद मिलती है और गालिबन अहले हदीस जो है वो भी इसी नजरिए से कायल हैं। ये जो तीन तलाकों वाला निज़ाम है कि एक महफिल में इंसान जो है अगर किसी को तीन मरतबा तलाक दे दे तो वो उसके ऊपर उससे रजू नहीं हो सकता, अब वो जाएगी हलाले के लिए या उससे निकाह नहीं हो सकता, तो ये नजरिया जो है वो हज़रत उमर का था, जैसा कि सही मुस्लिम की रिवायत है, सही मुस्लिम में बाकायदा ये रिवायत मैंशन हुई, ये बड़ी जबरदस्त रिवायत है, ये रिवायत जो है वो आप समाप्त फरमाइएगा कि हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं और अबू बकर साहब के जमाने में और हजरत उमर के खिलाफत के दो साल में तीन तलाकें एक मजलिस में एक तलाक कंसीडर हुआ करती थी। अलबत्त हजरत उमर ने देखा कि लोग इस काम में ना उजलत का शिकार हैं, तो उन्होंने लोगों की उजलत को मद्देनजर रखते हुए रसूलुल्लाह की सुन्नत में थोड़ी सी तब्दीली वाकई की। और बड़ी एक जबरदस्त रिवायत जो सही सुनन निसाई में ये रिवायत नकल हुई और इसकी सनद बिल्कुल सही है, सही आला रिवायत क्या है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स जो है वो एक खातून को अपनी बीवी को तीन मरतबा तलाक दे दी, तो रसूलुल्लाह फकामा गज़बना, और रसूलुल्लाह बड़े गजबनाक की हालत में खड़े हो गए और क्या फरमाया, आयुलाबो भी किताबिल्लाह, कुरान की किताब से तुम लोग खिलवाड़ कर रहे हो, जबकि कुरान कह रहे हैं कि एक महफिल में तीन तलाकें नहीं होती बल्कि दो तलाकें दो, उसके बाद जाकर वो तीसरा मरला जब तलाक का होगा फिर वो आपके तलाक के पाइन शुमार होगी, तो तुम कुरान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, वह अनाबईना अधरकुम, मैं और तुम्हारे दरमियान हूँ इस वक्त, मैं मौजूद और मेरे होते हुए तुम कुरान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तो ये दो एक दो रिवायात हैं और मजीद की हैं, अभी इंशाल्लाह उसको भी बयान करेंगे। तो हमारा मकतबे तशय्यु का नजरिया है कि एक महफिल में तीन तलाक, यानी कि इनका जो है वो स्कूल ऑफ थॉट वो फर्क है, अहले हदीस का भी यही है कि तीन नशस्तों में एक नशस्त में अगर तीन दफा तलाक दे दी तो वो एक ही कंसिडर होगी। अमनपुरी साहब जी, मैं अर्ज करूं जी पहली बात तो ये है कि जो शख्स कुरान करीम को मौरफ समझता है, मुसलमानों के नजदीक सुनियों के नजदीक वो पक्का काफिर है, उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है, एक बात तो ये। दूसरी बात, हमारा ये दावा है कि जो राफजी हैं शिया हैं,
इनका वही पर कोई एतबार नहीं है, ये कुरान और हदीस को नहीं मानते, ठीक। तब हमारे उलमा ने इनकी तकफीर कर रखी है और इनके कुफरियात पर कई एक दलाइल हैं। अगर कोई कहता है कि हम कुरान को अल्लाह का सच्चा कलाम मानते हैं जो दो गत्तों के दरमियान महफूज है, तो आए हमसे बात करें। मैं तो मुबाला करने के लिए पूरी दुनिया के राफ़िज़ी और शियों से तैयार हूँ, ये कोई मसला नहीं है। तो बाकी अब्दुल्ला बिन मसूद ने इसको कलाम साहब को भी शामिल कर रहे थे। इस्फानी साहब, आपने मुबाले का चैलेंज सुन लिया है अमनपुरी साहब का? जी जी, हमने तो इनसे पहले बयान किया है कि देखिए ये खुद एतराफ कर चुके हैं। ये मैं अर्ज किया ना, ये शुरू में इनकी आप इन नवासिफ की एक आदत रही है, क्योंकि ये हमारे लिए रवाफिज का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी तकफीर के कायल हैं, तो हम इनके नस्ब के कायल हैं, तो हम वो भी अपना इजहार करेंगे। क्योंकि देखें, हम रद्दुल अमल दे रहे हैं, हमारा इब्तदाई तौर पर इस तरह का कोई जुमला नहीं था। सिर्फ आप अमनपुरी साहब की बात कर रहे हैं या पूरे आप मकतब फिक्र की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, देखिये हम ये किसकी बात कर रहे हैं, पूरे मकतब की बात कर रहे हैं जी। अमनपुरी साहब जी, मैं पूरी शहीयत और रफजियत की बात करता हूँ, बाकी नस्बियत का तल्लुक है। हम लानत भेजते उस शख्स को जो अहले बैत का दुश्मन है, हम उससे बरी भी हैं। अहले बैत से मोहब्बत करना ये हमारा जुज़ ईमान है, ठीक है, और इसी ईमान पर हम कायम हैं। और दूसरी बात यह, मेरा डॉक्टर साहब माजर, मेरा ये भी मौकफ़ है, इस पर भी कोई हमसे कोई डिबेट कर ले कि मैं साबित कर दूँ कि शिया नासबी भी हैं, अहले बैत के दुश्मन है। अगर शिया अहले बैत की मोहब्बत साबित कर दे और शरी मोहब्बत साबित कर दे तो मैं शिया हो जाऊँगा, ये बात नहीं जी। मैं पक्का शिया हूँ जी, अगर ये काफिर है मैं दूसरा काफिर हो जाऊँगा। कहने का मकसद ये है कि सब झूठ मूठ है, तकिया है इसके पीछे, और कुछ भी नहीं, इस्लाम को नुकसान पहुँचाना मकसूद है। आप इनसे अमनपुरी साहब ने कहा कि अगर ये साबित कर दें मैं शिया होने का ऐलान करता हूँ। नहीं जी, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे शियों की कोई गुंजाइश नहीं है कि ये शिया हों और हमारी तरफ आए, बिल्कुल भी। मुबारक हो उन्हें, अहले हदीस को जो है वो मुबारक हो। अमन अहले हदीस तो अहले हदीस की बात आप कर रहे हैं, अहले हदीस तो पक्के मुहिब्बे अहले बैत हैं। नवाब सैयद सिद्दीकुल हसन खान से बड़ा अहले हदीस कौन है? सैयद नजीर हुसैन मोहद्दिदी से बड़ा अहले हदीस कौन है? उन्होंने तो किताबें लिखी हैं, तशरीफुल बशर बिज़िक्र अइमत अलिस्ने अशर, सैयद मोहम्मद दाऊद गज़नवी से बड़ा अहले हदीस कौन है? गैर जानिबदारी का मुजाहरा करें आप, गैर जानबदारी का मुजाहरा करें। मैं वही कर रहा हूँ ना, मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर अमनपुरी साहब की बात करें तो अमनपुरी साहब के साथ आप बात करें ना, वो अपने शिया होने के ऐलान कर रहे हैं, वो पूरी सेल्फियत को शिया होने की बात नहीं कर रहे। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये उनको मुबारक हो, मैंने नहीं कहा कि पूरी सेल्फियत की हो, मेरी बात आप समझे नहीं है या मैं समझा नहीं पाया। मैं कह रहा हूँ ये अहले हदीस को ही मुबारक हो जिनके पास ये मौजूद है, हमें ऐसे शियों की बिल्कुल नहीं हमारे पास गुंजाइश है। हम अपने मौजू की तरफ वापस आते हैं, हम अपने मौजू की तरफ वापस आते हैं, इस पे मजीद एक जवाब देने थे, आप जवाब जी प्लीज दें, जवाब दें जी जी जी। आपको आप किसी से ज्यादा नहीं करते, मैदान फ्री आप दोनों के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, माह मुबारक रमजान है, हम तो चाहते थे कि माह मुबारक रमजान में आपका प्लेटफॉर्म अमन और मोहब्बत का पैगाम दे, लेकिन अमनपुरी साहब अपने तलब के हाथों मजबूर हैं। इनकी पूरी एक जो है वो नासबियत पूरी जो रही है तशय्यु के हवाले से, अहले बैत के हवाले से, इब्ने तैमिया का नस्ब भरा पड़ा है। इंशाल्लाह इस पे भी बहस कर लें बगैर नास्ब इस पे बात करेंगे मजीद, लेकिन अभी हम तलाक के मौजू की तरफ आते हैं। हम तो लोगों के पैचअप करवाने जा रहे हैं मियाँ बीवी के दरमियान, हम तो मसाले को अलग अलग करने जा रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं कि तलाक के मौजू की तरफ आए। कोशिश की जाए जब मियाँ बीवी आपस में नाराज हो उनकी सुलह करा दें। आप यही बात उधर क्यों नहीं करते, अमनपुरी साहब को आप क्यों नहीं रखते? असल में अमनपुरी साहब जो है ना, वो असल जवाब से पहले वो उनके लिए कोई ना कोई एक सवाल छोड़ देते हैं या कोई बात कर देते हैं। असल में जवाब असल में दोनों की मोहब्बत आपस में ऐसी है कि दोनों एक दूसरे से बात करने का बहाना तलाश करते हैं। हमें तो इन्होंने दरमियान वैसे ही बैठाया हुआ है। हम दोबारा तलाक के मौजूद तरफ आते हैं। मैं इस्फानी साहब की खिदमत में ये अर्ज करना चाहूंगा, इस्फानी साहब, अगर तलाक हो जाती है तो उसका रजू करने के अहले तशय्यो के यहाँ क्या तरीकाकार है, ये बताइए प्लीज जी। मैं अर्ज करता हूँ उसके ऊपर, इसी आपके सवाल का जवाब मैं आधे मिनट का जवाब है, इसका आधे मिनट में जवाब दे दूंगा, लेकिन आप मुझे कम से कम एक मिनट तक, आधे मिनट में मैं अमनपुरी साहब का जवाब दे दूँ। ठीक है, दे दीजिए। क्योंकि देखें, इब्तदा शुरू जो बहस हुई थी तो अमनपुरी साहब ने बहुत सी तोहमतों से इब्तदा की थी, तो हमने कभी भी तशय्यु की तरफ से अटैक नहीं होता, तो इन्होंने जो अटैक किया और जो इन्होंने बात की उसका जवाब देना हमारे ऊपर लाजिम और वाजिब है। खुद इत्कान में जनाब अबू बकर क्यूसी साहब अब्दुल्ला बिन उमर ये क्या जी तकफीर की इन्होंने के तहरीफ का काफिर, अब आपको काफिर गिनवाने लगा हूं, अब ये काफिर आपने लिखते जाना है कि कितने काफिर निकलते हैं। अब जनाब ये क्या बयान फरमाती हैं, और इसकी इसनाद हुसैन रिजाल
इतकार सनद भी सही है, इसकी सनद पे ये इश्काल नहीं कर सकते, एक एक रावी का यहाँ पे अभी हम इंशाल्लाह आपके सामने बयान कर देंगे। अब्दुल्लाह बिन उमर क्या कहते हैं, इब्ने उमर क्या कहते हैं, ला युकुलन्ना अहदुकुम कद अखस्तुल कुरान कुल्लहु, तुम में से कोई ना कि जो कुरान मौजूद है ये सारा के सारा वही कुरान है, वमा युद्री मा कुल्लहु, मैं नहीं जानता वो कहाँ है कुरान जिस कुरान की तुम बात करो, कद ज़हबा मिन्हु कुरानुन कसीर, बहुत सारा कुरान तो है वो जा चुका है। ये अब्दुल्ला बिन उमर साहब, अब आप इनको काफिर कहें, आप इनको मुवाहिद कहें, इनको आपकी मर्जी है, हम आपकी किताबों से बयान कर रहे हैं, और मजीद अगर काफिर कहेंगे, क्योंकि देखें फिर मैं कह रहा हूँ कि टाइम में गुंजाइश नहीं है पहली चीज़ है, दूसरी मौजू नहीं है, वरना मैं बहुत सारे आपने बिल्कुल बात इस्फानी साहब बिल्कुल बजा फरमाई, मौजू नहीं है हमारा, ये हमारा मौजू है तलाक के हवाले से। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा और अमनपुरी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम इस मौजू को यहाँ पे छोड़ते हैं, हम तलाक के मौजू की तरफ आते हैं, हमें हम असल में जानना चाह रहे हैं तलाक के हवाले से अहले हदीस का मौकफ क्या है, अहले तशय्यो का मौकफ क्या है, जो बाकी मज़ाहिब अरबा हैं अहले सुन्नत के उनका मौकफ क्या है, ताकि ऑडियंस को समझ आ जाए। और हम यही पूछना चाह रहे थे आपसे, एक और भी सवाल ऐड करना चाह रहा हूं, में तलाक के बाद रुजू का क्या तरीका है, वो तो बात बीच में ही रह गई। जी मैं अर्ज कर रहा हूं कि इस मौजू को यहीं पे छोड़ देते हैं, मैं अपनी तरफ से अब कहता हूं मैं कोई बात नहीं करूंगा, अलबत्ता अलबत्ता अब अमनपुरी साहब की तरफ से आप गारंटी लेंगे कि वो भी कह रहे हैं कि अब ब्रेक होगी इंशाल्लाह, इस पे मजीद बात नहीं होगी। जी जी आप बताइएगा कि तलाक के बाद रुजू का क्या तरीका है, रुजू का तरीका कार क्या है। जी 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 मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो रिवायात है, रिवायात माकूमीन से जो चीज़ माखूज है कि जब तलाक वाकई हो जाए, तलाक रजी हर तरह का तमस्सुक, तमस्सुक की जो वजाहत करते हैं हमारे फुकहा, तमस्सुक बेज़ौजियत, यानी क्या मतलब है कि आप मुकारबत करें, तकबील करें, या इस तरह की कोई चीज जिस जो दलालत करे आपके उस बीवी की तरफ रुजू करने के ऊपर, वो चीज दलालत करती हो तो रुजू हो जाता है हमारे। ठीक है, इस वाले सब ये बताइएगा कि अहले तशय्यो के यहाँ भी हलाला का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। जी हलाला का कॉन्सेप्ट पाया जाता है, अलबत्ता बिल्कुल वैसे ही कि जब तलाक बाइंड हो जाए और वो अपने शोर पर हराम हो जाए, उसके बाद वो किसी और खातून किसी और मर्द से क्या करेगी, अक्त करेगी, अलबत्ता उसमें ये नियत नहीं होगी, ये कस्द और इरादा नहीं होगा कि वो इस नियत और इरादे से शादी कर रही है कि ये शख्स उससे एक रात, जैसे कि हमें बाज़ टीवी चैनल पर भी देखने को मिला, अहले सुन्नत के यहाँ ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिली कि हलाले को ऐसे मिसयूज़ किया जाता है, बहुत सी चीज़ों को मिसयूज़ किया जाता है कि एक एग्रीमेंट कि आपसे शादी करूंगी, एक रात का आपके साथ एग्रीमेंट होगा, उसके बाद अगले दिन आप मुझे लाग दे देंगे ताकि आप बतौर मुहल्लिल हमारे साथ रहें और उसके बाद मैं फिर अपने उसी शोहर की वापस तरफ पलट जाऊं, तो ये हमारे यहाँ नहीं है। इस तरह की शराय जो है अगर हलाले के अंदर हो तो वो हलाला मुहक्कक नहीं होता। बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपने कहा था मुझे वक्त जरूर दीजिए। कहना चाह रहा था कि मेरी आदत नहीं है, मैं जब से इस मीडिया से वाबस्ता हूँ कि मैं मसलक की बुनियाद के ऊपर तफरीक करूँ, तो लेकिन आपने नोट किया होगा इस्फहानी साहब को कि वो बार बार सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र इस तरह फरमा रहे हैं जैसे उन्होंने कुछ नई शरीयत को बना दिया या शरीयत के कोई खास चेंज लेके आए। आपको हमारी तरफ से किसी अहले बैत के हवाले से कोई इस तरह की बात करते हुए नजर नहीं आएगी, तो ये इसी बात का सबूत है कि हम अहले बैत से और सहाबा से बात करनी चाहिए। यानी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने अगर उस तलाक के ऊपर पाबंदी लगाई है तो किसी खास मकसद के लिए लगाई है, जिस तरह आपने चोरी की सजा को कुछ अरसे के लिए साकित किया था, यानी कुरान पाक का हुक्म है, तो वो किसी वजह से कैद पड़ गया था, तो लिहाजा जो अलैकुम सुन्नत और सुन्नत खुलाफाए राशिदीन जो है वो हमारा ईमान का हिस्सा है कि सहाबा कराम का जो जो इकराम है, तकरीम है, उनकी मोहब्बत है, ये उन पर लाजम है, हम उसके ही कायल हैं। और मीडिया जो है ये प्लेटफॉर्म तमाम उम्मत के लिए होता है, इसलिए हम कोशिश ये करते हैं मीडिया के प्लेटफॉर्म से यहाँ पे यहाँ से बात वो जाए जो सबके लिए काबिल अहले बैत अतहार की फजाइल की बात भी हो, सहाबा किराम रिजवान तआला अलैहिम अजमईन की वक़ार की बात भी हो, उम्मातुल मोमिनीन की बात भी हो, खुलफा राशिदीन की बात भी हो, ये प्लेटफॉर्म सबका प्लेटफॉर्म है, इस पर हमें बात करनी चाहिए। ब्रेक की तरफ हमें जाना है। व्यूअर्स अभी हम ट्रांसमिशन में एक ब्रेक शामिल करना चाहेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद।